Hi guys, this is Shruti and welcome to my channel Being Artsy. I am very very excited today because we are a family of 10,000 amazing creative artsy people. I am so grateful आप लोग ने इतना सारा प्यार दिया है, इतने सारे अच्छे अच्छे comments किए हैं, like किए हैं मेरे videos को. So Thank you so much to each and every one of you. And I hope हम ऐसे ही grow करते रहे, ये family और भी बड़ी हो. And for that I'll need your help. So please ऐसे ही सारी videos को like करते रहना, comment करते रहना and do share it with your friends ताकि और भी लोग इसको देख सके. And to be very honest, YouTube के algorithm को थोड़ी सी help हो जाएगी अगर आप ये सब करोगे तो. And मेरे videos आगे दिखेंगे and that's how we can keep growing. So please support me and I hope हम और भी बड़ी फैमिली बने जल्दी से जल्दी. और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो. ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसकी वेडिंग पे एक छोटा सा हैंडमेड गिफ्ट बनाया था एंड शी एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ वो सारी प्रोसेस शेयर करूँ सो दैट अगर आपको खुद के लिए वो बनाना है या आपको भी अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो आपके लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो आई होप यू ऑल गिव इट अ ट्राई. और अगर आप इसको बनाते हैं तो मुझे प्लीज शेयर करना. मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग पिक्चर्स भेज सकते हो. मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू गाइस क्रिएट समथिंग एंड शेयर इट विद मी. सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. ओके, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक कैनवस. मैंने यहाँ कैनवस लिया है बट अगर आप चाहते हैं तो आप MDF बोर्ड या प्लाईवुड भी ले सकते हो. एंड देन यू कैन गो अहेड एंड ट्रेस योर डिज़ाइन. मैंने पिछवाई आर्ट और लिपन आर्ट का एक फ्यूजन क्रिएट किया है. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेंटिंग. सो फर्स्टली विल डू ऑल द पेंटिंग एंड देन हम इस पर क्ले का वर्क करेंगे. इससे क्या होगा कि आपका कलर इवनली अप्लाई हो जाएगा एंड देन आपको क्ले वर्क करने में भी ईजी पड़ेगा और बाद में पेंट करने में थोड़ा जो प्रॉब्लम आता है डिटेलिंग कम होती है तो इसमें वो इशू नहीं आएगा. सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट पेंटिंग द बेस ऑफ दिस लोटस. मैंने पिंक कलर लिया है. आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर्स हियर. एक मीडियम शेड क्रिएट किया है यूजिंग पिंक एंड वाइट और इसको मैं इवनली पूरे बेस पे अप्लाई कर दूंगी. I'll apply the same shade in the other flowers and the buds as well. Once the base coat dries, उसके बाद हम pink color का एक darker shade लेके इसमें strokes add करेंगे. इससे आपको वो shading वाला effect मिलेगा and थोड़ा सा 3D look create होगा आपके flower में. एंड गाइज, अगर अब तक का प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इज वेल. अब जब ये भी सूख जाएगा तो एक और डार्कर शेड लेके हम थोड़े और स्ट्रोक्स ऐड करेंगे इसमें टू ऐड दैट फाइनल डिटेलिंग. अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है विथ द लीव्स एज वेल. तो एक मीडियम शेड ऑफ ग्रीन क्रिएट करके आप सारे लीव्स में अप्लाई कर दो. अप्लाई दिस शेड एवरीवेयर फॉर ऑल द लीव्स. इवन जो ये बड्स के नीचे के छोटे लीव्स होंगे उसमें भी सेम कलर अप्लाई कर दीजिए. And then we'll go ahead with a darker shade of green. तो अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है. आपको डार्कर शेड से आपके डिटेल्स ऐड करने हैं और फिर उसमें बहुत कम कलर लेके यू हैव टू जस्ट मर्ज इट विद द बैकग्राउंड. तो आपको एक ड्राई ब्रश यूज करके सेम ब्रश यू जस्ट मर्ज इट विद द बेस. एंड जैसे हमने लोटस में किया था सिमिलरली यहाँ पे भी हम स्ट्रोक्स ऐड करेंगे ऑन द बॉटम पार्ट टू क्रिएट दैट शेडेड इफेक्ट. Go ahead and repeat the same process for all the leaves. And lastly, मैंने किया है एक
बहुत ही अमेजिंग टील ब्लू कलर का यूज फॉर द बैकग्राउंड। आप अपने चॉइस का कलर यूज कर सकते हो, बट दिस कलर इज लुकिंग वेरी फ्रेश एंड ब्यूटिफुल। नाउ आई एम यूजिंग मोल्डेड क्ले हियर। आपको बस दोनों पार्ट्स को इक्वली कंबाइन करके अच्छे से मिक्स करना है एंड देन स्टार्ट रोलिंग इसके ऐसे कॉइल्स। हियर आई हैव टेकन फेविकॉल और मैंने इसे कोन में ऐड कर दिया है। अब बस कोन से आउटलाइन ड्रॉ करनी है एंड इसके ऊपर हमें अपनी कॉइल्स को स्टिक करते जाना है। यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल द शेप्स। बस केयरफुली कॉइल्स को कट करके स्टिक करते जाना है। वैसे क्या आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को हैंडमेड गिफ्ट्स देते हो? अगर देते हो तो कमेंट करके जल्दी से बता दो। एंड आई होप आपको अब तक का प्रोसेस सिंपल लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो मुझे प्लीज़ बता देना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ओके, अब इस क्ले को 24 आवर्स के लिए ड्राई होने दीजिए एंड वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, गो अहेड एंड पेंट इट विद वाइट एक्रेलिक कलर। तो अभी प्रोसीड करते हैं आगे के कलर्स के लिए। जो बॉर्डर बची थी उसमें मैं एक नेवी ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड अब करते हैं इसके ऊपर लेटरिंग। तो मैंने अपने फ्रेंड और उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया है, बट एक्चुअली मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने बाद में इसके ऊपर फिर से वाइट पेंट करके इसको रीराइट किया है अलग स्टाइल में। आपको वीडियो के एंड में वो दिख ही जाएगा। एंड लास्टली थोड़े से डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा लिपन आर्ट का इंस्पिरेशन लिया है तो मिरर्स तो होने चाहिए, राइट? सो मैंने थोड़े से मिरर्स ऐड किए हैं और कुछ डॉट्स ऐड कर दिए मिरर्स के बीच में। एंड दैट्स हाउ आर फाइनल नेम प्लेट इज रेडी। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।